हेलो दोस्तों, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय ने अपने यूजी के भी जो क्वेश्चन पेपर्स है वो अपलोड कर दिए गए हैं। तो ऐसे में हम लोग यहाँ पे बीएससी होम साइंस के लिए कैसे क्वेश्चन पेपर हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, तो मैं इस वीडियो में आपको बीएससी होम साइंस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के बारे में बताऊँगा कि कैसे हम लोग क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको हम लोग अपने मोबाइल पे या लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में, तीनों में हम लोग ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें चले जाना है दुर्ग यूनिवर्सिटी को, सर्च कर लेना है गूगल में, और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को लिंक देखने के लिए मिलेगा हेमचंद यादव विश्वविद्यालय का, तो हमें इस पे क्लिक कर लेना है। तो हेमचंद यादव विश्वविद्यालय का यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे क्विक लिंक्स करके एक सेक्शन है, यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशंस फ्लैश कर रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग को चले जाना है क्वेश्चन पेपर फॉर यूजी फॉर एनुअल एग्जामिनेशन 2021, यहाँ पे हम लोग को क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही हम लोग इसमें क्लिक करेंगे तो हम लोग को बहुत सारे लिस्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। क्वेश्चन पेपर फॉर यूजी फॉर एनुअल एग्जामिनेशन 2021 ऐसा लिखा होगा, तो ये क्लियरली लिखा हुआ है कि यहाँ पे यूजी के क्वेश्चन पेपर्स हम लोग को मिलेंगे। तो यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस होम साइंस, होम साइंस एक सब्जेक्ट होता है बीएससी में, तो उसके लिए क्वेश्चन पेपर्स यहाँ से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, और इस वीडियो के आखिर तक बने रहें ताकि आप सही से वीडियो को सही से आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकें। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि बीएससी होम साइंस करके यहाँ पे जो बटन दिख रहा है उस पर हम लोग क्लिक कर लेंगे। तो जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को एक लिस्ट देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे हम लोग देखने के लिए मिल रहा है बीएससी होम साइंस पार्ट 2 फॉर एक्स सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स, बीएससी होम साइंस पार्ट 2 फॉर न्यू स्टूडेंट्स। न्यू स्टूडेंट्स मतलब ये जो न्यू कोर्स अभी आया है, मतलब सिलेबस जो है अपडेट हुआ होगा, तो जो इस साल यहाँ पे एडमिशन लिए हैं चाहे वो रेगुलर हो या प्राइवेट हो, जो इस सत्र में 2020-21 सत्र में जो भी यहाँ पे पार्ट 2 का सबसे फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं तो वो न्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे कहलाते हैं। तो उनके लिए यहाँ पे न्यू कोर्स के लिए यहाँ क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, और जो हो सकता है कि एक बार एग्ज़ाम नहीं दे पाए होंगे या सप्लीमेंट्री हो गया होगा या फेल हो गए होंगे, तो वैसे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ओल्ड कोर्स पढ़ रहे होते हैं, और उनके लिए यहाँ पे एक्स और सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे अलग क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बीएससी होम साइंस पार्ट 2 फॉर एक्स सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स, एक्स स्टूडेंट्स और सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट वाला लिंक है, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स के यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन पेपर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो एफसी हिंदी लैंग्वेज, एफसी इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं सभी के सभी यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिलेंगे। मैं बैक जाता हूँ और दूसरे यहाँ पे ईयर का हम लोग देखते हैं। तो बीएससी होम साइंस पार्ट 2 फॉर न्यू स्टूडेंट्स, ठीक है, ये लिंक जो है सेकंड वाला वो न्यू स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे लिंक है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे 24 मई के डेट में यहाँ पे अपलोड कर दिया गया, तो यहाँ पे भी सारे सब्जेक्ट से हम लोग को क्वेश्चन पेपर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। फिर उसके बाद मैं वापस से बैक जाता हूँ और हम लोग देखते हैं बीएससी होम साइंस पार्ट 3 फॉर ऑल स्टूडेंट्स। तो बीएससी पार्ट 3 जो है अभी भी पुराना कोर्स चल रहा है, मतलब सिलेबस अपडेट नहीं हुआ है, तो ऐसे में यहाँ पे जो एक्स स्टूडेंट्स है, सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स है या रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, तो सभी के लिए यहाँ पे ये क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल है। तो यहाँ होम साइंस पार्ट 3 फॉर ऑल स्टूडेंट्स में हम लोग चले जाएंगे और क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, तो यहाँ जितने भी सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं वो सभी स्टूडेंट्स के लिए, वो चाहे एक्स हो, सप्लीमेंट्री हो या रेगुलर हो, ठीक है, रेगुलर एक्स सप्लीमेंट्री सभी के लिए क्वेश्चन पेपर्स हैं। तो बीएससी होम साइंस पार्ट 3 का जो ये क्वेश्चन पेपर्स है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो भी बीएससी होम साइंस पार्ट 3 का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पेपर जो है वो देख लिए। अब इसको हम लोग डाउनलोड कैसे करते हैं वो यहाँ पे देखेंगे। तो सभी का प्रोसेस सेम है, हर क्लास में सेम होगा, सभी कोर्सेज के लिए सेम होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। अगर मुझे हिंदी लैंग्वेज का पेपर डाउनलोड करना है तो मैं हिंदी लैंग्वेज पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये डाउनलोड होके मिल जाएगा हम लोग को। तो यहाँ पे हम लोग ओपन इसको कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्म में होगा, तो जिस भी लैंग्वेज में होगा वो यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर है उसका पूरा का पूरा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग बीएससी होम साइंस सब्जेक्ट का हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बताया हूँ, और लगातार इस प्रकार की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल पे या कंप्यूटर में सबसे पहले आ सके। और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।